हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू वीकेबी स्पेशल एंड आई एम मीनाक्षी योर होस्ट फॉर द शो। आज हमारे साथ कौन है? आज हमारे साथ है उज्ज्वला गोकर्ण। मिसेज उज्ज्वला गोकर्ण इज द ओनली लेडी इन सेंट्रल इंडिया हु इज अ साइड रिदमिस्ट प्रोफेशनली। इन्होंने 45 के बाद शुरू किया, मतलब दैट एज जहाँ पर हम कहीं ना कहीं आराम करने की सोचते हैं, हम सेकेंड इनिंग की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने प्रोफेशनली एक साइड रिदमिस्ट का किरदार निभाना शुरू किया। और पैशन था इनका कई टाइम से कि म्यूज़िक जो है इनकी फैमिली में भी था कहीं ना कहीं, और एक पैशन होता है ना, तो पैशन को हम हमेशा जीना चाहते हैं, और इस उम्र में जीना, वो भी प्रोफेशनली, और एक नाम बनाना इज़ नॉट अ ईजी टास्क। उन्होंने वो नाम बनाया और कई बड़े कलाकारों के साथ स्टेज पर परफॉर्म भी किया। इनकी जर्नी के बारे में इनसे जानते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उज्ज्वला मैम, परक्यूशनिस्ट, जो सबसे पहले तो ये जो टर्म है साइड रिदमिस्ट, का काम क्या होता है? ये छोटे छोटे जो इंस्ट्रूमेंट्स है, हाँ, ये अपने गानों को इफेक्ट देते हैं। हाँ, हाँ, तो उसकी वजह से ये छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स, हाँ, से ही यानी वो आवाज उस क्रिएट की जाती, हाँ, जा सकती। हाँ, कहीं कहीं ना कहीं पहले के ज़माने में ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होती थी, लेकिन आजकल जो है एडवांसमेंट इतना हो गया है, टेक्नोलॉजी इतनी हो गई है कि अब तो कंप्यूटर पे एक क्लिक पे सब कुछ मिलता है। लेकिन आपने जब शुरू किया, सबसे पहले तो मैं आपकी जर्नी के बारे में बात करूँगी। आपने शुरू किया एक ऐसे टाइम पर जहाँ पर लोग सोचते हैं कि अब तो हमारे आराम करने के दिन है, लेकिन बचपन की ओर चलते हैं, बचपन से कैसी शुरुआत? नहीं, बचपन तो बहुत ही अच्छे तरह से गया। हाँ, और छोटे थे तभी से ही यानी भजन वगैरह का, अच्छा, शौक था। हाँ, हाँ, तो और वो मंजीरा वगैरह में बजा लेती थी। अच्छा, तभी से। हाँ, हाँ, तो कहीं ना कहीं म्यूजिक, और मेरी मम्मी डांसर है। ओके, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं उसके, हाँ, ये आया होगा। हाँ, एक जीन्स में होता है। हाँ, जीन्स में जी। तो बचपन में खिलौने होते हैं आपके हाथ में, म्यूजिक, कहीं ना कहीं कनेक्शन वहीं से शुरू हुआ बचपन। फोर्थ स्टैंडर्ड से तो मुझे याद है। हाँ, यानी ये, हाँ, मंजीरा वगैरह बजाने लगे, घुंघरू, हाँ, मंजीरा ऐसे। हाँ, हाँ, और जो छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स मेरे पास यानी घर में रहते हैं, मंजीरा, हाँ, वगैरह, हाँ, ये सब तो वो तो बजा ही लेती थी मैं। ओके, साइड रिदमिस्ट एक ऐसा टर्म है जहाँ पर आपको जो अलग अलग आवाज़ें, जो क्रिएटिव आवाज़ें गानों में सुनाई देती हैं, ये यहाँ से क्रिएट होती हैं। फॉर एन एग्जांपल थंडर का आवाज़, फॉर एन एग्जांपल रेन का आवाज़, राइट, मैं अगर गलत नहीं हूँ, दरवाजे का आवाज़। पहले के ज़माने के गाने जो होते थे इसीलिए मज़ेदार होते थे क्योंकि उसमें एक एक धुन बहुत क्लियर सुनाई देती थी, चाहे वो हॉरर सीन हो तो वो हॉरर फील होता था। आजकल के हॉरर में तो हमें हंसी आ जाती है, सॉरी, नो ऑफेंस, लेकिन ये हकीकत है। इतनी सारी नहीं रही, और आपने एक ऐसे उम्र पे शुरू की, मैं खासकर कहूंगी क्योंकि आजकल की जो महिलाएं हैं सबसे पहले तो बहुत अच्छा काम कर रही, हर लेवल पे काम कर रही, लेकिन कहीं ना कहीं एक भी ऐसा सेक्शन है जो अब भी आगे आने में बहुत सोचती हैं। आप क्या कहेंगी, आपने जब शुरू किया तो आपकी जर्नी कैसे रही? हाँ, मैं मेरे बच्चों यानी बेटी की शादी होने के बाद फिर बेटा भी पुणे चला गया। अच्छा, पढ़ने के लिए। फिर मैं बहुत ही अकेला महसूस करती थी, ये इनके काम में बिजी रहते थे, ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ओके, हाँ, तो उनके काम में वो बिजी रहते थे और फिर मेरा टाइम पास नहीं हो रहा था। फिर कई यानी क्लासेस अटेंड करने लगी मैं, भजन। अच्छा, का क्लास अटेंड किया, गानों, हाँ, का। तो फिर आफ्टर 45 मैंने एक गाने का क्लास अटेंड किया, तो वहाँ पे हमारा सालाना एक गेट टुगेदर ऐसे प्रोग्राम होता था, तो सब लेडीज को गाने का चांस मिलता था वहाँ पे। तो तभी बाहर से ऑर्केस्ट्रा मंगाते थे, हाँ, बाकी इंस्ट्रूमेंट, हाँ, सब बाहर, हाँ, हाँ, बाहर से। तो जब प्रैक्टिस की यानी प्रैक्टिस होती थी तभी तबला जी आते, हाँ, थे, हाँ, तो वो अगर नहीं आए तो मैं डग्गे पे रिदम उनको लेडीज को, हाँ, तकलीफ नहीं होनी चाहिए करके वो देती थी। अगर अगर वो आते थे और हमारी प्रैक्टिस चालू रहती थी तो मैं घुंघरू वगैरह लेके जाती थी मेरा, और वो, हाँ, तो मैडम को कहीं ना कहीं ऐसे लगा कि इसमें कुछ है। हाँ, तो फिर मेन प्रोग्राम में जब बड़े आर्टिस्ट थे, नागपुर के लीडिंग आर्टिस्ट थे, उनके साथ ऑर्केस्ट्रा था, तो तभी मुझे मैडम ने हमारे स्टेज पे ही बिठाया डायरेक्ट। हाँ, हाँ, और तभी से मेरी जर्नी चालू हो गई। वो पहला इवेंट कितना मेमोरेबल रहा होगा, क्योंकि आप एक पैशन फॉलो कर रहे थे, आप क्लासेस कर रहे थे, आपको लगा कि अब मेरा टाइम जो है मुझे यहाँ व्यतीत करना चाहिए। गाने के लिए किया था मैंने, हाँ, गाने के लिए किया था, नॉट फॉर इंस्ट्रूमेंट्स। अच्छा,
इंस्ट्रूमेंट्स का ये तो हमारे यहाँ भी किसी को मालूम ही नहीं है क्या है। हाँ, मैंने भी बहुत सारे आइटम्स बाद में देखे। अच्छा, कि क्या है करके। तो तभी यानी इंटरेस्ट ऐसे तभी एक यहाँ के कलाकार है सचिन ढोमने करके, तो उन्होंने बहुत ही इंस्पायर किया। अच्छा, वो बोले कि ये फील्ड में आ जाओ आप। हाँ, हाँ। फिर मैंने पीछे देखा ही नहीं। फिर आपको लगा कि नहीं अब मैं कर सकती हूँ। और सिंगिंग आप सीख रही थी तब आपको वो चांस मिला कि आपको कॉन्सर्ट में परफॉर्म करना है। सिंगिंग का एक्चुअली मैंने एज अ प्रोफेशन नहीं, ऐसे एज अ पैशन के तौर से किया। लेकिन ये कब मेरा मैंने हॉबी था ये। हाँ, सब बजाने का। और हाँ, कब प्रोफेशन में बदला मुझे ही नहीं पता चला। वही कहती हूँ कि अगर आपकी हॉबीज हैं तो आप उसे जरूर जरूर आप अपने उसे हॉबी को पूरा कीजिए, क्या पता उस हॉबी में से आपका कोई प्रोफेशन निकल जाए। क्योंकि महिलाएं जो होती हैं वो हमेशा ये सोच में पड़ जाती हैं कि मुझे चूज क्या करना है, मुझे क्या करना है, बट मुझे लगता है कि आप करती जाएं उसके साथ साथ आपको पता चल जाएगा कि आप नहीं। और उतना ये चाहिए कि कौन से गाने में क्या बजाने के बाद क्या और क्या बजाना, यानी कई कई गानों में तो दो दो तीन तीन इंस्ट्रूमेंट्स एक साथ में बजाने पड़ते हैं। जी जी, तो वो भी ऐसे मेंटली वो ये आना चाहिए उसमें। वेरी ट्रू, वो एक रहना चाहिए, स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। आपने जब शुरू किया किस तरह का सर का इंस्पिरेशन था कि हाँ तुम करो, मोटिवेट करना, क्योंकि घर से मोटिवेशन मिलता है तब जाके हम बहुत कुछ अच्छा करते हैं। नहीं, इन्होंने तो बहुत ही बैकिंग किया, क्योंकि ये बोले कि तुम अकेले ऐसे, मैंने कुछ काम नहीं, यानी अकेले यानी बच्चे भी नहीं हैं, बोर हो जाते हैं, तो कुछ ना कुछ तुम करो। तो बहुत इंस्पायर किया। और फिर मैंने और इतने साल के बाद मैं अकेली है ना, सब काम वगैरह करके ये प्रोग्राम्स के लिए बाहर जाना है ना, इनको बहुत सफरिंग था। हाँ, एक्चुअली। लेकिन उन्होंने कभी एक बार भी उन्होंने शिकायत नहीं की। यही है ना, पीछे से बैक सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है। उनका तो बहुत ही बड़ा सपोर्ट है ना। वही कहते हैं ना कि एक पुरुष के सक्सेस के पीछे अगर महिला का हाथ है, तो महिला के सक्सेस के पीछे भी पुरुष का और फैमिली का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। अगर वहाँ बैकबोन है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आंटी, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये धीरे धीरे आपने किस तरह से एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया? मतलब आपको ये सारी चीज़ें पता थी, आपने धीरे धीरे, क्योंकि ये इसमें ऐसी कई चीज़ें हैं जो हमारे आसपास होती हैं लेकिन हम उसे यूज़ नहीं करते। एक्चुअली क्या है, मैंने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के शॉप्स में अगर गए ना, तो वहाँ सब मुझे दिखता था। तो ये बोलते थे कि ले लो ये, मैंने कोशिश करी, ले लो फिर कभी भी यानी काम में आएंगे। तो ऐसे मेरे पास इतने इंस्ट्रूमेंट्स मैंने खरीदे कि वो कभी ना कभी काम में आएंगे करके लिए मैंने। तो अभी सब का मैंने यूज किया है ऐसे। आप लेकिन सेल्फ गाइडेड हैं, आपने सीखा नहीं है ऐसे चीजें, वो बहुत बड़ी चीजें हैं। क्योंकि आजकल अगर कोई सेल्फ गाइडेड कोई भी फील्ड में आता है तो उसके लिए बड़ी बात इसीलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास हर चीज एक क्लिक पे अवेलेबल है। यूट्यूब प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल हमारे कुछ भी चीजें सिखाने में। अगर हम कहीं अटक जाते हैं, हम नहीं पढ़ पाते, आजकल तो बच्चों को भी पढ़ाई यूट्यूब ही रहा है और गूगल ही पढ़ा रहा है, लेकिन सेल्फ गाइडेड उस जमाने में होना, इतनी सारी चीजें, आपने किस से वो जर्नी में जानना चाहूंगी कि एक एक इंस्ट्रूमेंट को किस तरह से आपने एक्सपेरिमेंट किया और आपको लगा कि अरे ये तो वही आवाज है जो हम सुनते थे। नहीं, वो तो ऐसे आवाज पहचान के ही यानी करना पड़ता है। किस तरह से रियाज करते थे? क्या रियाज वगैरह? कुछ नहीं, ये एक बार सामान मैंने रख दिया तो फिर अगले कार्यक्रम में मैं लेके जाती हूँ। अच्छा, अगर प्रोग्राम के प्रैक्टिस होगी तो फिर प्रैक्टिस में, नहीं तो फिर डायरेक्ट। यानी मैं आज भी सिर्फ अंदर से लाके यहाँ बिछा के रखा है बस। बाकी कुछ मैंने प्रैक्टिस नहीं की, कुछ नहीं, डायरेक्ट ऑन स्पॉट, ऑन द स्पॉट। बट धीरे धीरे जब इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास आते गए तो आपको कैसे पता चला कि ये आवाज मुझे यहाँ से क्रिएट करनी है? वो आवाज से पता चलता है। हाँ, म्यूजिक कंटिन्यूस मेरे यहाँ चालू रहता है, कंटिन्यूस। यानी कुछ भी काम करो, कुछ भी ये हो, ये म्यूजिक मेरा, गाने चालू ही रहते, इसीलिए वो सारी जो धुनें हैं आप सुनते थे और उसको क्रिएट करने की कोशिश करते थे। आपका लॉकडाउन में एक वीडियो बहुत वायरल हुआ, लोगों को बहुत पसंद आया, वो वीडियो किस तरह से आपने सोचा कि आप मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए? नहीं, एक्चुअली मैंने लॉकडाउन में काम ही नहीं था ना कुछ, इसीलिए कुछ ना कुछ ऐसे इसको भी थोड़ा यूज करना चाहिए। और एकदम ये भी नहीं होना चाहिए ना, मैंने आउट ऑफ ये होना नहीं चाहिए, इसीलिए फिर मैंने इनको बोला कि एक वीडियो करेंगे ऐसे ही, थोड़ा सा ऐसे एक पांच मिनट का।
तो ऐसे ही मैंने फेसबुक पे डाल दिया। अच्छा, तो वो कलाकार में डाल दिया तो इतना हिट हो गया वो। हाँ, एक्चुअली वो इंटरनेशनली हो गया, बहुत ज्यादा वायरल भी हुआ। सोशल मीडिया ने तो वैसे भी लॉकडाउन में बहुत लोगों को स्टार भी बनाया है और बहुत लोगों के कला को निखारा भी है और वहाँ असली एक जगह दिलवाई है। यानी इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एक एक इंस्ट्रूमेंट को देखने की, सुनने की और उसे जानने के लिए। तो एक एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानना तो बहुत जरूरी है। ठीक है, ये घुंघरू है। हाँ, ये मिराकस बोलते हैं इसको। ओके, इसके दो टाइप के रहते हैं, एक सॉफ्ट आवाज का रहता है और ये हार्श है थोड़ा सा। ओके, ये शेकर्स है। हाँ, ये शेल शेकर्स है, इस पानी का आवाज आता है। यस यस। हाँ, फिर ये एक है ऐसे ट्रेन के जैसे। हाँ, थोड़ा ये भी आता है और ये सैंड पेपर से भी निकालते हैं आवाज। ओके, ये सैंड पेपर से। हाँ, अच्छा ये हाँ, वो अब याद आ रहा है कि ये तो वही आवाज थी। फिर ये चाइना ब्लॉक है। हाँ, ये पुराने गानों में था। है अपना दिल तो आवाज़ वो अभी बाद में बता। ये गाने तो हम आंटी से जरूर सुनेंगे बिकॉज़ उन्होंने ये चीजें जो हैं इन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ क्रिएट किए। ये भी ये स्लेव बेल है। अच्छा, ऐसे वो ए आर रहमान के वगैरह गानों में ज्यादा यूज में आते हैं। वो भी इंस्ट्रूमेंट्स के काफी शौकीन हैं। अभी ऑलरेडी मेरे पास और है, लेकिन जितना दिखाया तो ये है, ये कोकोनट शेल है। ओके, तो उसे घोड़े की और इसकी। नाइस नाइस। फिर ये है, इसको स्क्रैपर बोलते हैं। वो सो एक्साइटिंग मेरे सामने वाले। यस यस यस, मुझे ऐसे लग रहा है मैं गाना गाऊं और आंटी को कहूं आंटी प्ले करो। वाह, हम एक बहुत अच्छा जैमिंग सेशन कर सकते हैं। मैं इतना पूरा भी नहीं गाती, थोड़ा बहुत गा लेती हूं। पंजीरी बोलते हैं इसको, ऐसे दो तीन टाइप से बजा सकते हैं इसको। फिर ऐसे, वाओ नाइस, ऐसे I mean, कितनी सारी चीजें हैं ना कि हम जानते ही नहीं है उन चीजों के बारे में। ये थंडर टाइप है इसका। ओके, वाओ, दिस इज अमेजिंग। यही तो है। हॉरर शोज में। यस यस यस। ओ वाओ, दरवाजा खोलने का आवाज। हाँ, वही ना, पहले की हॉरर मूवी सच में डरा जाती थी। आजकल तो वैसे तो हम बिंदास देखते हैं रात को भी, डरते ही नहीं है। और ये है, यानी बैल के घुंघरू रहते ना। हाँ, कितने ओरिजिनल लग रहे हैं और कितना, मतलब कितना ही मशीन प्ले क्यों ना कर दे, ये जो ओरिजिनल आवाज है ना, जोर से बोलो, मैं भी प्ले कर ली। सच में, I mean, इतनी ओरिजिनलिटी है इसमें। सच्ची बहुत ओरिजिनलिटी, मतलब कितना मजा आता होगा ना सब चीजों को लाइव प्ले करना। आपने इतने बड़े बड़े कलाकारों के साथ ऑन स्टेज परफॉर्म किया है, जिसमें मंगेशकर साहब हैं और खन्ना हैं, कितने सारे, वो एक्सपीरियंस कैसे रहा? कभी सोचा था कि आप इस तरह से इनके साथ शेयर करेंगे स्टेज? यानी मुझे पहले से ही ऐसे लग रहा था कि किसी बड़े स्टार के साथ आपका परफॉर्म करना एक गोल था, इच्छा थी। हाँ, एक गोल था। और मैंने मेरे इसमें प्रोफाइल में भी स्टार्टिंग से ही लिखा हुआ है कि वांट टू परफॉर्म विद बिग सेलिब्रिटीज, और वो हो गया। यहाँ पे बड़े बड़े प्रोग्राम्स मिले मुझे और सब बहुत सेलिब्रिटीज के साथ में बजाने का। मुझे वो प्राउड मोमेंट अब भी याद है जब आपको मैंने इंडियाज गॉट टैलेंट पे देखा। इंडियाज गॉट टैलेंट, आई मीन मैं आंटी को मैंने एज एन नागपुरियन जानती थी, बीइंग इन मीडिया मैंने पहचानती थी, बट मैं कभी मिली नहीं। मैं ऐसे ही एक दिन इंडियाज गॉट टैलेंट देख रही थी एंड व्हेन शी केम टू परफॉर्म आई वुड, मैं लिटरली खड़ी हो गई, ये तो उज्ज्वला आंटी, आई मीन ये कहा। तो वो एक्सपीरियंस एक नेशनल टेलीविजन पे कैसा रहा था? और काफी अच्छा आगे भी गए थे आप। सेमीफाइनल्स तक गए हम लोग, 25 लेडीज गए थे हम लोग। स्वराली संगीत, स्वराली संगीत, सतार थे उसमें, फिर वायलिन थे, तबला था। उस समय आपको भी स्पेसिफिकली आपको काफी दिखा रहे थे, सराहना मिली थी तभी।
मैंने ये इंस्ट्रूमेंट्स एक्चुअली कोई बजाता ही नहीं ना, इसलिए फिर मैं अकेली थी। आपको उस समय स्टेज पे जजेस ने काफी सराहना भी की थी कि ये कुछ नया सुनने का है ना। किरण खेर ने भी बोला ना आपके घुंघरू बहुत अच्छे थे, इसे स्पेसिफिकली बताया तो बहुत अच्छा लगा। एक एक करके इस तरह से मुकाम हासिल करना, आजकल की यंग जनरेशन आंटी इतनी जल्दी डीमोटिवेट हो जाती है, एक अगर कोई काम करने जाती है और वो इन केस फेल हो जाता है तो वो ना बिल्कुल निराश हो जाती है। क्या कहोगे उन लोगों से, क्योंकि आपने एक ऐसे टाइम पर शुरू किया जब तो हम तो एक बार बार वो कहेंगे क्योंकि वो एक इंस्पायरिंग स्टोरी है, बट आजकल की जनरेशन तो बड़ी परेशान, इनके लिए आप क्या कहोगे? नहीं, डिप्रेशन में जाना बहुत ही बेकार है। कुछ तो भी यानी म्यूजिक रिलेटेड ऐसे कुछ तुम इंस्ट्रूमेंट्स बजाओ, नहीं तो गाना सीखो, कुछ ना कुछ ऐसे म्यूजिक के बारे में ये किया ना तो बहुत मेंटल पीस मिलता है, बहुत मेंटल पीस मिलता है। अभी मुझे तो मैं इतना हैप्पी रहती हूँ हमेशा, यानी कुछ ना कुछ ये म्यूजिक के कारण ही ज्यादा। हाँ, यानी आपने तो अपने पैशन को फॉलो किया इसलिए आपको वो खुशी है, क्योंकि आपने शुरू की तो आपने अपने पैशन को फॉलो किया, आपको पता भी नहीं होगा कि आप इतना कुछ कर लेंगी इतने टाइम में। एंड एक सेकेंड इनिंग तक आते आते उन्होंने अपने सारे ड्रीम्स अचीव किए, उन कलाकारों के साथ परफॉर्म किया जिन कलाकारों को ये हमेशा सुनती थी और उन्हें फॉलो करती थी कि ये म्यूजिक इस तरह से क्रिएट हुआ है, उनके साथ स्टेज शेयर करना इज सच बिग ड्रीम टू कम ट्रू। और ये जो आपके जो इवेंट्स थे, जो स्टेज शेयरिंग थी, किस तरह से आपको अप्रोच मिलता गया और किस तरह से ये होता गया एक एक करके, आपको अगर कुछ मोमेंट्स याद हो? एकदम स्टार्टिंग में तो एक बड़ा प्रोग्राम था वो भारतीय विद्या भवन का। अच्छा, तो एक्चुअली राम के गानों का, रामनवमी के प्रभु रामचंद्र की गाने थे, तो तभी सिर्फ मैंने वो खंजीरी और मंजीरा बजाए थे। अच्छा, ओके। लेकिन वो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म था, उसके बाद में फिर बड़े बड़े शोज मिलने लगे। ओके, वहां से अप्रोच होता गया। कोई ऐसा मेमोरेबल मोमेंट याद हो कि आपको वो एक सपना सा लग रहा हो, अब भी आप याद करती हो कि हाँ ये जो था शो मेरा सबसे बड़ा एक शो रहा होगा, या कुछ मेमोरीज रही होंगी उन कलाकारों के साथ? स्टार्टिंग में पहला प्रोग्राम मेरा अनुराधा जी पौडवाल के साथ हुआ। अच्छा। जो सेलिब्रिटीज के साथ जो हुआ वो, तो वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। वो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ था हमारा, गोंदिया में उनका प्रोग्राम था, तो मुझे भी लेके गए थे साथ। अच्छा, में ओके, वो स्टार्टिंग का वो जो प्रोग्राम था वो बहुत मेमोरेबल, बाद में तो सभी मेमोरीज मेरे इतने अच्छे इतनी अच्छी रही क्योंकि आपने लाइव परफॉर्म किया उनके साथ और इतनी, और मैंने सोलो प्रोग्राम भी दिए। ऑस्ट्रेलिया में मेरा बेटा है, अच्छा, तो वहाँ पे हम लोग गए थे, तभी भी वहाँ सब यानी उनके फ्रेंड्स वगैरह के लिए ऐसे घर में गेट टूगेदर किया उन्होंने, तभी मैंने भी इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ बजाए थे। वहाँ सोलो प्रोग्राम हुआ, फिर यहाँ लेडीज क्लब में हमारे यहाँ दिवाली के टाइम में हुआ, 2 साल पहले जी। फिर रोटरी वालों ने भी बुलाया था। तो क्योंकि नई चीज है, इसे जानना और लाइव देखना अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस है जो मुझे फील हो रहा है, क्योंकि मैं सारी चीजें म्यूजिक की मैं भी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं भी पुराने नए हर तरीके के गाने सुनती हूँ, बट जब हम सुनते हैं तो हम सोचते भी नहीं कि ये इस तरह से क्रिएट होते होंगे। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत साथ देती है, लेकिन ये जब शुरुआत हुई तो बहुत अलग थी। अब तो एक म्यूजिक ने एक अलग दौर पकड़ लिया है, आप उस बारे में एज ए म्यूजिशियन क्या कहेंगे, क्योंकि आप म्यूजिक के साथ जुड़ी रही हैं हमेशा? नहीं, आजकल के गाने अच्छे लगते हैं बजाने के लिए, मुझे वो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो जो गाने पुराने वाले जो गाने हैं उसमें अलग फील है वो वैसे नए। आपके फेवरेट सिंगर कौन है? मोहम्मद रफी आशा जी अभी जो आशा भोसले वगैरह सब है, लेकिन मोहम्मद रफी तो मैं गाने लगाए उनके गाने लगाए बिना मैं काम कुछ भी स्टार्ट नहीं करती, क्योंकि आशा जी और लता मंगेशकर जी का जो एक जोड़ी रही वो भी बहुत हिट रही। मोहम्मद रफी साहब की तो बात ही अलग थी, किशोर कुमार की बात ही, और मोहम्मद रफी साहब को मैंने देखा हुआ है। मैं छोटी थी तभी वहाँ पे जाते थे हम, मेरे अंकल के यहाँ उनके ऊपर ही रहते थे वो। तो वहाँ उनके यहाँ भी जाके आते थे, तो मतलब वहीं से आशीर्वाद मिला था आपको, हाईलाइट मिला होगा। आप कुछ तो म्यूजिक में करोगे यानी आपने गाने इतने क्रिएट किए, और अब भी आपने जो एक वीडियो बनाया था वो भी बहुत हिट था। मैं आपसे लाइव सुनना चाहूंगी और मैं भी कोशिश करूंगी, मैं भी थोड़ी सी ताल मिला रहा हूं तो ये करते हैं हम लोग। Oh,
अरे होगा तुमसे प्यारा कौन हमको तो तुमसे है amazing live सुनना वो भी सारे original instruments के साथ चाहे गाना जो है वो हमने play किया लेकिन जो आपने इसकी धुने सुनी वो हमने धुने यहाँ create की तो आपको वो जो feel है वो सच में आएगा मुझे बहुत अच्छा लगा बहुत amazing लगा आपको सुनकर और आपको लिटरली हैट्स ऑफ है कि आपने इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स को इतना लाइवली प्ले किया एंड आई विश कि आपकी ये ना जर्नी ऐसी ही चलती रहे बहुत म्यूजिकल रहे आपकी लाइफ क्योंकि आप म्यूजिक से इतनी अच्छी तरह से जुड़ी हैं एंड इस सेकेंड इनिंग में भी इतना दिल खुश एक बिहेवियर होना बहुत बड़ी बात है और अपने पैशन को जीना एक बहुत बड़ी बात है तो आई वुड लिटरली से टू ऑल द लेडीज आउट देयर स्पेशली क्योंकि हम महिलाओं से जब बात करते हैं और इतनी इंस्पिरेशनल महिलाएं जो हमारे साथ होती हैं तो वो एक ऑटोमेटिक एक मैजिक क्रिएट होता है ना ये मैजिक मैं आप तक ज़रूर पहुंचाना चाहूंगी और मैं खास कर उन महिलाओं से कहूंगी जो सच में आगे निकलकर कुछ करना चाहती हैं ये मत सोचिए कि आप कहाँ पहुंचेंगी क्या आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी आगे क्या होगा क्या नहीं होगा लोग क्या कहेंगे कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना आप अपने काम को करते जाइए अपने पैशन को फॉलो कीजिए क्योंकि पैशन अगर आप फॉलो नहीं करेंगी तो आगे जाके आपको रिग्रेट ज़रूर होगा अपने आप पैशन को फॉलो करते रहिए अपने सपनों पे उड़ान भरना शुरू कर दीजिए जैसे ये इंस्पिरेशन लेडीज इतना अच्छा कर रही हैं डेफिनेटली डेफिनेटली आप भी उसी तरह से आप फ्लाइंग कलर्स के साथ उड़ेंगी बैकबोन आपका परिवार रहेगा परिवार वाले भी आपको सपोर्ट करें तो बहुत बेहतरीन है तो आज BKB स्पेशल में बस इतना ही फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ तब तक ले दीजिएगा इजाज़त नमस्कार अरे होगा तुमसे प्यारा कौन हमको तो तुमसे है चलो तिल सार चलो